तो हे गाइस, वेलकम टू 48 एपिसोड ऑफ पोकेमॉन ग्लेज। एंड लास्ट एपिसोड में हमने देखा, हम लोग गए थे कोलो आइलैंड पे, एंड वहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकुनो को पकड़ने के लिए जो रेजिना आई थी, बट हमारी बैटल के दौरान वहाँ पे पायस एड़ा बन मतलब एड़ा दिखाया बन के पेड़ा खा गया, मतलब पायस ने पकड़ लिया लूगिया को और सीधा चैलेंज कर लिया। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं पीक्स ऑफ अल्फा, अरे दादी हटो, पीक्स ऑफ अल्फा, जहाँ पर हमारी हमको बैटल देखने को मिलेगी रेजिना और पायस के बीच में, इन शॉर्ट होहो वर्सेस लूगिया। और दादाजी हमें जाने दो, द प्री रिसर्च क्या लिखा है, ये प्रीएचर पायस हैज सेड टू एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ अ ब्लोन चाइल्ड बाय एनी मीन्स नेसेसरी, व्हेन आई बैटल फॉर आरसीएस। ओके, तो पायस ने इस ताऊ मतलब इस बुढ़े आदमी को बोला है कि हमें आने ना दे, तो इसको दिखाना पड़ेगा। इसके पास एक ही पोकेमॉन है और उसके पास है मेगा लुकारियो। कोई बात नहीं यार, मैंने इसको सामने रख के कोई गलती तो नहीं की, बारिश हो रही है बट हम लोग फिर भी इसके साथ ही ये बैटल में स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस यार एक ही पोकेमॉन है, बेचारे को थोड़ा सा तो टाइम लेने दो, थोड़ा तो टाइम लेने दो गाइस, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। बारिश हो रही थी, नहीं तो इसको वन शॉट किल था, ये शॉट डाउन सब करके क्या फ़ायदा ब्रो। और गाइज इसमें मेगा इवोल्यूशन है बट कहाँ है मेरे को ही नहीं पता, मेरे पोकेमॉन मेगा इवॉल्व क्यों नहीं होते गाइज यार, पता नहीं है मेरे को। सिट्रस बेरी, ओके चलो बाय बाय, आपका जो भी नाम है मैंने आपका नाम नहीं पढ़ा सॉरी, बट मैं आपको रिस्पेक्ट दे के बोलूँगा अलविदा। तो इससे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिला। अच्छा ये सेक्सटन वही है, अच्छा ओके। इफ़ इट इज़ आर सी एस विल दैट यू एंटर देन आई शॉल नॉट स्टॉप यू। ओके यार, ये लोग आर सी एस को कितना सीरियसली लेके बैठे हैं। यहाँ पे मैं किस पोकेमॉन को आगे रखूँ, आई शुड गो विथ स्वम्पट, एंड पहली बात तो यहाँ पे हमें रिपेल यूज़ करने पड़ेंगे बहुत सारे, मैक्स रिपेल। तो चलो यहाँ पे मैं एक बार गेम सेव कर लेता हूँ, मेरे को आदत है, और देखते हैं। यहाँ पे एक केव है बट मैं उसको इग्नोर मारूंगा, यहाँ पे एक बैटल आ रही है गाइस, तो चलो करते हैं। तो गाइस हमने इसको हरा दिया और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके यहाँ पे एक और बैटल है, एंड अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो सॉरी, क्योंकि मेरे बिल्डिंग के नीचे कोई तो चीज़ बेचने आया है, तो आई होप सो आप समझ सकते हो। तो चलो बैटल करते हैं। ओके तो गाइज हमने इसको हरा दिया और भी आगे चलते हैं। यार यहाँ पे कितनी बैटल है, तीसरी बैटल है, स्टॉप राइट देयर। ओके तो चलो बैटल करते हैं। चलो गाइज ये भी हार गया। ओके हमने इसको अवॉइड किया, अच्छी बात है। चलो और अभी हम लोग ये कहाँ पे आ चुके हैं, पीक्स ऑफ अल्फा। एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है कि पेड़ इसके नीचे है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई बहुत बड़े माउंटेन पे आ चुके हैं, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, वो ऐसा लग रहा है कि बादल, या फिर मतलब हम लोग बहुत हाइट पे आ चुके हैं इन शॉर्ट। और यहाँ पे एक और बैटल है, तो चलो करते हैं। ओके तो अच्छा हुआ इसके पास एक ही पोकेमॉन था, यहाँ पे हर पत्थर चेक करना चाहिए, कुछ ना कुछ मिल सकता है गाइस। और यहाँ पे एक और बैटल आ रही है गाइस, तो चलो करते हैं। ओके देखते हैं अभी आगे क्या है, ये कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ कि नहीं वो भी मेरे को कुछ पता नहीं। यहाँ पे एक और बैटल है गाइस, चलो करते हैं। ओके तो गाइस काफ़ी बड़ी बैटल थी और हमारे पोकेमॉन एक फ्रेंड हो गया, तो पहले उसको हम लोग रिवाइव करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। बेचारा स्वम्पट रिवाइव होने के बाद अभी देखेंगे, बदला लेंगे, सबका बदला लेंगे हम लोग, पहले सबको हील कर लेते हैं। मोमो मिल्क बाकी लोगों को दे सकते हैं, या फिर छोड़ो इतनी भी हेल्थ ठीक ही है। हाँ यहाँ पे एक बार मैं गेम सेव कर लेता हूँ और चलो। अभी यहाँ पे दो रास्ता है, हम लोग यहाँ से जाके देखेंगे। ओके यहाँ पे एक आइटम मिला, शार्प बीक,
जिससे आई थिंक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के मूव्स अच्छे हो जाते हैं ना। और मैक्स रिपेल भी ख़त्म हो गया है, ख़त्म मतलब है बहुत है हमारे पास, अभी मार लेंगे हम लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से जाना रहेगा हमें, ये क्या चीज़ है। कॉल मी क्रेजी बट इट लुक्स लाइक एन एंशियंट कीबोर्ड, सिम्बॉल्स आर सेट इन द ग्रिड लाइक पैटर्न, डू यू वॉन्ट टू टाइप समथिंग। नहीं अभी नहीं कुछ करना, चलो यहाँ पे हम लोग भाग नहीं सकते इस सीढ़ी के ऊपर, और यहाँ पे एक और बैटल आ रही है, तो चलो करते हैं। ओके तो गाइज मुझे कुछ पता नहीं है कि अभी कितनी बैटल्स और बाकी है गाइज। ओके होपफुली ये लास्ट बैटल थी, तो यहाँ पे अभी इससे बात करनी है क्या। डू यू नो व्हाट्स दिस, फिर से पढ़ता हूँ। डू यू नो व्हाट दिस इज चाइल्ड, दिस केव लीड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पीक्स ऑफ अल्फा पास्टोर स्पायर्स, ओके इज डूइंग गुड वर्क फॉर द चर्च देयर एंड आई कांट अलो यू टू इंटरफियर। ओके तो यहाँ पे एक और बैटल आ रही है, तो चलो करते हैं। ओके तो गाइस हमने इसको हरा दिया, और ये बोल रहा है माय ह्यूमन वीकनेसेस हैज कॉज मी टू फेल इन माय ड्यूटी, आई कैन नॉट ब्लॉक योर पाथ फर्दर, मे आरसीएस हैव मर्सी ऑन मी। ओके तो गाइस हमें फिर से अभी पोकेमॉन हील करने हैं, क्योंकि एक दो पोकेमॉन मेरे फिर से फ्रेंड हो गए। क्या करूँ यार, मेरे पोकेमॉन भले इनसे ज़्यादा लेवल के हैं बट कुछ ना कुछ होता ही है, बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और हाइपर पोशन तो है ही, सेलेमेंस के लिए मैं देखता हूँ क्या करना पड़ेगा। मैक्स पोशन तो यूज़ नहीं करूँगा, इतना पागल तो नहीं हूँ। मोमो मिल्क तीन है मेरे पास, तो मैं यूज़ कर लूँगा तीनों के ऊपर, ये भी एक अच्छा आइडिया है। हाँ आगे शायद से मेरे साथ भी किसी ना किसी की बैटल हो सकती है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ थिएटर थोड़ी है वहाँ पे, सिर्फ आके पिक्चर देखने थोड़ी बुला रहे हैं वो लोग। हेनरी बोल रहे हैं दे हैव ऑलरेडी बिगन द फाइट, टेक अ लुक। ओहो क्या मस्त फाइट है, ये तो सेम एमरल्ड वाला सीन लग रहा है जहाँ पे ग्रोडन और कायोग्रे लड़ते हैं, तो ऐसा ही सीन दिखाते हैं। रेजिना हो यूज ऑल योर माइट टू अटैक विद सेक्रेट फायर। लुगिया आर यू हर्ट, इफ यू आरंट रिटेलेट विद एरो ब्लास्ट। ओके तो गाइज यार मेरे को पता है बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये लोगों को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि नीचे कोई ना कोई आता ही रहता है। वी नीड टू स्टॉप देम एनी वे वी कैन, हाउ बट आई कैन आई टेक वन एंड यू टेक अनदर। ओके आई सपोज दैट्स योर बेस्ट ऑप्शन, आवर बेस्ट ऑप्शन, विच वुड यू टेक। तो ये बोल रहा है कि मैं बोल रूँगा, एक मिनट, ये ऐसा बोल रहा है कि या तो मैं पायस के ऊपर बैटल करूँ या फिर मैं रेजिना के साथ। मैं बोलूँगा योर चॉइस, That's very considerate of you or for asking my, I would like to battle my mother. It would be release from the years of torment she puts me through. Good luck against Pious Omkar. Okay, तो हमें उसके साथ अभी battle करनी है। क्या मैं इनके बीच में से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, अगर मैं जाऊँगा तो वो बीच में हमला करते हैं। Okay, नहीं जा सकता, समझा जा रहा हूँ, Pious के साथ battle करनी है हमें। तो शायद से मैं पायस के साथ बैटल करूंगा, और हम लोग अभी इलेक्ट्रा वायर को यहाँ पे आगे रखेंगे, क्योंकि उसको भी चांस देना चाहिए गाइस। स्टे आउट ऑफ मैटर्स दैट डू नॉट कंसर्न यू चाइल्ड, इट इज़ माय सोलोमन ड्यूटी, सोलोमन भाई नहीं ड्यूटी टू गाइड ऑल ऑफ यू आरसीएस चिल्ड्रन टू द पाथ ऑफ अल्फा, यू वुडंट अंडरस्टैंड। ओके तो इसके साथ बैटल आने वाली है, तो चलो करते हैं, और मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाला। और ये थोड़ा बुढ़ा जैसा क्यों दिखता है मेरे को यहाँ पे एप्सोल। ओके कोई बात नहीं यार, एप्सोल आने वाला था तो फिर मैं पोकेमॉन चेंज कर सकता था यार, कोई नहीं, थंडरवर्ल्ड देखते इसके ऊपर कितना इफेक्टिव होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके आधे से तो ज़्यादा एचपी हमने इसके खा ही लिए, एक और थंडरबोल्ट और ये चले जाएंगे घर पे। शॉर्ट डांस यूज़ करके क्या फ़ायदा हुआ ब्रो, तेरे को तो एक भी अटैक करने का चांस ही नहीं मिला। कोई नहीं होता है ब्रो, मेगा लुकारियो। ओके मेगा लुकारियो के लिए हम स्वम्पट को भेजेंगे, ऑब्वियस ही बात है ना,
इसके पास भी मेगा लुकारियो था, और नीचे एक बुढ़ा था जो आने नहीं दे रहा था, उसके पास भी मेगा लुकारियो था। कोई बात नहीं, अर्थक्वेक है, शॉर्ट डांस, ओके। ये हर बार कोई ना कोई शॉर्ट डांस क्यों यूज़ करते हैं, मेरे को कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, बट चलो ठीक है। अगर तुम्हें अटैक करने का चांस मिल रहा है तो अटैक करो ना, क्यों ये सब टाइम पास करते रहते हो, मेरे ओपिनियन से। हाँ, अगर सामने कोई छोटा मोटा पोकेमॉन ट्रेनर है तो ठीक है, बट तुम मेरे सामने ये करते हो गाइस, तुम्हें बुरा नहीं लगता? छोड़ो, अब क्या बोल सकता हूँ। अभी अच्छा हुआ मैंने इलेक्ट्रोवायर बीच में डाल दिया, क्योंकि एक बर्ड टाइप पोकेमॉन है, नॉर्मल एंड बर्ड। एंड जहाँ तक मुझे पता है गाइस, जो अपना ये नॉकटाउल है, इसका सेल्फ डिफेंस काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम लोग फिजिकल अटैक करेंगे ट्राई। होपफुली ये भी ज़्यादा डैमेज कर ही देगा, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ओके, अच्छा हुआ मैंने फिजिकल अटैक ट्राई किया, अगर मैंने यहाँ पे थंडरबोल्ट ट्राई किया रहता तो वो फेंड नहीं होता। और इसी के साथ अभी आ रहा है लूगिया, तो हम लूगिया के साथ इसी के साथ जाना पसंद करेंगे। एंड लूगिया का डिफेंस भी अच्छा है और स्पेशल डिफेंस भी आता है, अच्छा ही है, तो ट्राई करेंगे थंडरबोल्ट, देखते हैं। पहले ही रिकवर, कोई बात नहीं, इससे पता चलता है कि ये रिकवर यूज़ करने वाले। ये सुपर इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट, ओके। अब थंडर पंच ट्राई करके देखते हैं, रिकवर करते रहे, मेरे पास दो दो इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स है ब्रो, देखते हैं थंडर पंच कितना डैमेज देगा तेरे को, जो जो ज़्यादा अटैक देगा डैमेज तेरे को उसी से मारेंगे हम लोग। ओके, थंडर पंच ही अच्छा दिया, मतलब रिफ्लेक्ट डिफेंस बढ़ा लिया, ओ माई गॉड, कोई बात नहीं। अगर तेरा डिफेंस तूने बढ़ा लिया तो ओ ओके, इसके पास फुल रिस्टोर भी है, भूल गया था मैं। कर ले जितना यूज़ करना है कर ले बेटा, तेरा दिन है। मैं तो बोलता हूँ इसको सुला के मारे क्या यार, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये रिकवरी ट्राई करते रहेगा। देखो ये रोता रहता है यार, कैसा लेजेंडरी पोकेमॉन बनेगा रे तू। रुको, अभी नेक्स्ट ट्राई में मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा, लीफियन को लाता हूँ, इसको सुला देंगे, फिर इसको घर पे भेज देंगे लोरी सुनाने। लीफियन इधर, ये अटैक भी तो नहीं कर रहा है कोई मेरे ऊपर, अभी भी रिकवरी यूज़ करेगा। ओके सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये बहुत बुरी बात है। और अब लास्ट सर्वाइव कर ले ब्रो, ये क्या हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैक्स पोशन किधर गया। यार मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, एक और आरा ब्लास्ट मत यार, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ 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 मरना मत, प्लीज़ मरना मत, प्लीज़ सर्वाइव कर ले। कोई बात नहीं, इसका बदला लेंगे हम, ज़रूर लेंगे, डोंट वरी गाइज। हमारे फेवरेट कूजा, यानी कि एज वेल एज, अरे यार इसके पास कितने फालतू पोकेमॉन के टाइप्स के मूव है। हमारे फेवरेट लीफियन को मारा है ना तूने, तेरे को छोड़ेगा नहीं मैं, रुक। हम आपको बताते हैं, फुल रिस्टोर यूज कर ले बेटा, जितना करना है कर ले। और इसका ये रिफ्लेक्ट कब खत्म होगा गाइस, पांच मूव हुए नहीं क्या अब तक। सबसे पहले तो मेरे को ये पॉइजन हटाने दो, दिमाग खा रहा है यार ये फोकट में। खाली फोकट में लीफियन को मरवा दिया, कोई बात नहीं, रुको उसको फिर से जिंदा करूंगा मैं, ये इससे डरता नहीं हूँ मैं, अंडू पांडू ही पोकेमॉन है, हट, मेरे को तो जरा भी पसंद नहीं है यार। मेरे फेवरेट पोकेमॉन को मार देते हैं, ऐसा कोई करता है क्या। तो फिर से जिंदा होगा लीफियन, अरे मेरे ऊपर कुछ काम का नहीं है तेरा, मैं घर पे जाओ घर पे। एज आई सेड, हाइपर पोशन किधर गया। तो फिर से जिंदा होगा लीफियन, कर ले, खेलते रहे कोई काम धंधा नहीं है हमको भी,
रुपीस को दिखाता हूँ मैं, रुको गाइस एक मिनट। एंड सब चिल्लाते क्यों रहते हो यार मेरे, क्या एडे सोसाइटी वाले मेरे एरिया में भी। देखते हैं आइस बीम कितना डैमेज करेगी इसको, कुछ भी नहीं यार। ओके ये फ्रोजन ही हो गया, ये बात अच्छी है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कितने टाइम से। इसका डिफेंस, हाँ इसका रिफ्लेक्ट भी ऑफ हो गया, ये बात अच्छी है। बस एक बार फुल रिस्टोर मत यूज़ करना, बस ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय। इसीलिए बोलता हूँ लुगिया किसी के फेवरेट पोकेमोन को नहीं हंट करने का, क्योंकि लीफियोन ही तो इतना मेरा फेवरेट पोकेमोन क्यों ना हो, भले एम्बोर 63 का हो चुका है यहाँ पे। और अल्फा लीडर पायस, नो हीथन फॉलोअर ऑफ गिराटीना। हीथन, मेरे को हीथन, मेरा नाम हीथन तो नहीं है। ओके दोनों ने अपने मास्टर बॉल गिरा दिए। हियर आई थिंक वी डिड इट ओमकार, दे हैव नो मोर पोकेमोन विथ इनफ एनर्जी टू फाइट। हैव यू रिपेंडेड रेजिना, हैव यू सीन द एरर ऑफ योर वेज, रिलीज ओहो एंड मॉल्ट्रस एंड द वे टू आर सी एस इज अवर्स। द ओनली रीजन आई हैव टू केयर अबाउट आर सी एस इट इज़ बिकॉज इट इज़ द ऑल माइटी लेजेंडरी परफेक्ट फॉर कैप्चर। आई हैव रिव्यूज ऑन हैंड सो आई एम नॉट गिविंग अप बायस। ओके ये तो वो आई थिंक एक्स वाले, एक्स एंड वाई वाले लेजेंडरी पोकेमोन है आई थिंक। हाँ कोबैलिन को, क्या नाम है इसका, कोबैलियन, हाँ ठीक है कोबैलियन। दिस हैज़ गॉन फॉर इनफ यू टू मैनेजर में, क्या लिखा है ये, यू टू मीगर ह्यूमंस प्लेइंग एट गॉड अगेन डिसाइपेगल वेब्स। आई सी दैट एक्शन नॉट वर्ड्स इज वॉट यू नीड। टेराइक्योन वीरिजियन गेट देम। ओके टेरेकियन एंड विरिजियन स्मैश द लुगिया एंड ओहो स्पोकी बॉल। ओके एंड अभी ये दोनों भाग गए। रेजिना बोल रही है एंड जस्ट हु द हेल डू यू थिंक यू आर, दैट वॉज माई पोकेमोन, आई कॉट इट। हे गिव दैट बैक, वी आर द सॉर्ट्स ऑफ जस्टिस, मैसेंजर ऑफ लॉर्ड आरसीएस एंड द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल पोकेमोन। ओके रेजिना से मॉल्ट्रस को भी इसने छुड़वा दिया। ए इसको भी पकड़ो, इसके पास भी है। ए सुनो 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 ब्रो ब्रो ब्रो, इसके पास भी जेबडोस हेनरी के पास, उससे भी ले लो। कोबैलियन, इट्स टाइम यू ह्यूमंस लर्न योर प्लेस इन द वर्ल्ड बिकॉज इट श्योर एज हेल इजंट एज अ गॉड। रेजिना और मैन्युपुलेटर पायस, गेट समथिंग एल्स टू डू विद योर लाइफ एंड डू सम गुड फॉर द वर्ल्ड। ओके पायस, आई विल बी रिलीजिंग जेबडोस एज वेल, बी फ्री जेबडोस। ओके चलो, मतलब हेनरी बुरा नहीं है, अच्छी बात है। चलो तो अभी सब तक एवरीथिंग इज एज इट शुड बी नाउ, आवर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड देयर, फेयरवेल। ओके रेजिना बोल रही है, पायस आई हैव टू एडमिट समथिंग, आई लव यू एंड आई यू रेजिना। ओके All this work and efforts only to undone by Pokemon. I can't handle the streets stress anymore. I would be willing to leave it behind for you, Pius. Well, we will leave it behind together, Noctal, you sly. I can't believe it, Omkar. It just shows how much we as humans have left to learn about the world. Cobalion, Terrakion, Virizion and... Not to mention Articuno, Zapdos, Moltres, Lugia and Ho-Ho. I never imagined I would get to see them in person. I have changed a lot on this quest and I am glad I have got experience it, especially alongside you. Nothing at all on this earth compares to how amazing I feel about myself now. It looks like all the Pokemon have returned to their homes. The sky is blue. It's a good day to be alive. Don't you think, but now all I want to do is relax. If you can find me, we will have to battle, I promise. Goodbye Omkar and thank you for your memories. तो guys, इसी के साथ आई थिंक सब खत्म होता है।
सब पोकेमोन अपने अपने जगह पे चले गए। और गाइस अभी हम मैं क्या करूँ यहाँ पे यार, क्या गेम ख़त्म हो गया? ओके मैं यहाँ पे फ्लाई यूज़ नहीं कर सकता, ये कैसे पॉसिबल है यार, मैं यूज़ ही नहीं कर सकता यार, नशे करके बैठा है ये गेम। ओके अगर मैं यहाँ पे फ्लाई यूज़ नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? एक मिनट, यहाँ पे तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि ये तो पिक्स ऑफ अल्फा है ना, यहाँ ऊंचाई से तो हम लोग उड़ ही सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। मैं यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकता, ये नशे करके बैठा है गेम पक्का। तो गाइज एक मिनट वेट करो, मैं आता हूँ ये केव के बाहर। ओके तो गाइज हम लोग अभी आ चुके हैं एंड यहाँ पे क्या, द फेंटेड क्राइज ऑफ लोगिया एंड हो इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स एक्रोटिक सिटी एंड लोगिया इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स सिया इन वोडो के। तो वो चले गए अभी। तो गाइज आज के एपिसोड में बस यही तक था, नहीं ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, पहले हम लोग जाके पोकेमोन हिल करेंगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना गाइज, मैं हर एपिसोड को एंड ऐसा नहीं करता क्योंकि पोकेमोन हिल करना ज़रूरी होता है गाइज। तो आई होप लोग सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आई होप गाइज कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा। एंड आज के गाइज एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, सबसे पहले तो बहुत सारी बैटल्स हुई। तो अगर आपने आज का एपिसोड पूरा देखा तो एक ही चीज़ बोलूँगा, थैंक यू। एंड अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हो, फ्री है। चलो बाय।